हम काम सिर्फ पैसों के लिए करते हैं। कितने आदमी थे? अरे ओ साहब, हाँ सच कहा मौसिया, अगर मौका मिले तो देख लेना थानेदार साहब, हम दोनों 15-20 में तो भारी पड़ेंगे। नमस्कार, आप सभी का फिल्मी वृतांत पर स्वागत है। साल 1975 में रिलीज होने वाली फिल्म शोले को शायद ही कोई ऐसा होगा जो नहीं देखा होगा। इस मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म का एक एक किरदार, संवाद, गाने सभी प्रसिद्ध हुए थे। वर्तमान में हमें शोले फिल्म में कुल 6 गाने देखने और सुनने को मिलते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें एक गीत और था जिसे फिल्म से निकाल दिया गया था। शायद इस गीत के बारे में कुछ दर्शकों को पता भी हो, लेकिन जिनको पता नहीं है उन्हें हम पूरी जानकारी देंगे और उस दुर्लभ गीत को भी दिखाएंगे और सुनाएंगे जो फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाया था। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें और इस वीडियो के अंत तक बने रहें। दरअसल पहले शोले में एक कवाली था जिसके बोल थे, चांद सा कोई चेहरा पहलू में ना हो तो चांदनी का मजा नहीं आता। चांद सा कोई चेहरा न पहलू में हो, चांद सा कोई चेहरा न पहलू में हो तो चांदनी का मजा नहीं आता। शाम पीकर शराबी न गिर जाए तो खुशी का मजा नहीं आता। चांद सा कोई चेहरा न पहलू में हो तो चांदनी का मजा नहीं आता। दरअसल फिल्म के निर्माण के दौरान निर्देशक रमेश सिपी को महसूस हुआ कि फिल्म में एक कव्वाली होती तो 4 चांद लग जाता, और वह गीतकार आनंद बख्शी के पास पहुंचे और उन्हें एक कव्वाली गीत लिखने को कहा, जिसके उपरांत बख्शी जी ने बेहतरीन कव्वाली लिखा और आरडी बर्मन जी ने खूबसूरत अंदाज में संगीत तैयार किया, जिसे किशोर कुमार, मन्ना डे, भूपेंद्र सिंह और खुद गीतकार आनंद बख्शी जी ने काफी मस्ती भरे अंदाज में गाया था। पहले आप इस दुर्लभ कव्वाली को सुनिए, फिर हम बताएंगे कि इसकी शूटिंग हुई थी या नहीं और इसे फिल्म में शामिल क्यों नहीं किया गया था। के चांद सा कोई चेहरा न पहलू में हो, अर्ज किया है इरशाद आए, के चांद सा कोई चेहरा न पहलू में हो तो चांदनी का मजा नहीं आता। चांद सा कोई चेहरा न पहलू में हो, आहे चांद सा कोई चेहरा न पहलू में हो तो चांदनी का मजा नहीं आता। आहे जाम पीकर शराबी न गिर जाए तो, जाम पीकर शराबी न गिर जाए तो, जाम पीकर शराबी न गिर जाए तो तुम्हें खुशी का मजा नहीं आता। चांद सा कोई चेहरा न पहलू में हो तो चांदनी का मजा नहीं आता। जाम पी कर शराबी न गिर जाए तो तुम्हें खुशी का मजा नहीं आता। दरअसल योजना यह थी कि जब धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन जेल में होते हैं तब यह कव्वाली धर्मेंद्र, अमिताभ और कैस्ट्रो मुखर्जी आदि पर फिल्माई जाएगी। इस कव्वाली को लेकर धर्मेंद्र और आनंद बख्शी काफ़ी उत्साहित थे, क्योंकि धर्म जी के हिस्से में सबसे ज़्यादा मस्ती भरी लाइनें थीं और आनंद बख्शी इसलिए उत्साहित थे क्योंकि उन्होंने कव्वाली में अपनी आवाज़ दी थी और उन्होंने एक अपने पुराने इंटरव्यू में कहा था कि अगर वह कव्वाली रिलीज हुई होती तो उनके लिए बतौर गायक एक और करियर ऑप्शन बन सकता था, लेकिन रमेश सिपी को लगा कि यह कव्वाली फिल्म की लंबाई को अधिक बढ़ा देगी, इसलिए गाने को रिकॉर्ड करने के बावजूद शूट नहीं किया गया था। इस बारे में रमेश सिपी ने एक इंटरव्यू में स्वयं खुलासा किया कि उन्हें कैसे फिल्म की अधिक लंबाई की वजह से एक शानदार गीत को हटाना पड़ा था। हालांकि अगर यह गाना वाकई में
फिल्म में शामिल होता तो कोई इसे सुपर हिट होने से नहीं रोक पाता, क्योंकि यह कल्पना करिए कि जेल में धर्मेंद्र, अमिताभ, कैस्ट्रो मुखर्जी और अन्य कैदियों पर अगर यह गीत फिल्माया गया होता तो क्या दृश्य होता, वाकई में मजा आ जाता। बहरहाल दर्शक उस दृश्य को देखने से वंचित रह गए। हालांकि अगर इस गीत को पूरा सुनना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, सुन सकते हैं। मित्रों, आप लोगों के अनुसार क्या इस कव्वाली को फिल्म में शामिल करना चाहिए था, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।